हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है डीजे डेवलपर्स में। और आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं लेकर के आ चुका हूँ मेरी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज की बड़ी बड़ी खास होने वाली है, माफ़ करना। और बाकी इतने दिन से मैं वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था, क्योंकि भाई एक और रीज़न था, स्वरूप इसका मौसम बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा था, इसलिए मैं वीडियोस नहीं लेके आ पा रहा था। तो आज मैं लेकर के आ चुका हूँ अपने पास में, आज जो रिव्यू आप देखने वाले हो, होंडा की तरफ से आने वाली एलिवेट, एक 5 सीटर होने वाली है कार। और आज मैं वीडियो लेकर के आ चुका हूँ लैंडमार्क होंडा, स्पेशल थैंकना चाहूँगा जिन्होंने अपनी गाड़ी प्रोवाइड करी। और बाकी इसमें 5 सीटर में क्या कुछ डिफरेंसेस देखने मिल जाता है, बेस मॉडल से लेकर के टॉप मॉडल तक सारी चीज़ें इसमें बात करेंगे। स्पेक्स, प्राइस, फीचर्स, हर एक चीज़ को आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो बेस के टॉप मॉडल में आता है ये। और बाकी इसमें टोटल 4 वेरियंट्स देखने मिल जाते हैं टॉप। अब इसमें टोटल 4 वेरियंट्स देखने मिल जाता है अपने आपको। और बाकी सबसे पहला जो आता है SB, B, BX और ZX, बाकी इसमें टोटल 4 वेरियंट्स देखने मिल जाता है। ये वाला जो आप देख रहे हो VMT मॉडल है। इसकी प्राइजिंग की बात करूँ तो यहाँ पे अपने लैंडमार्क होंडा जो कि अपने गुजरात के वापी में पड़ जाता है, इसकी प्राइजिंग यहाँ पे 15,88,373 रुपीज़ देखने को मिल जाती है ऑन रोड गुजरात के वापी की। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और आपको जानना होगा अपने स्टेट के प्राइस के बारे में, तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बाकी सबसे पहले आप लुक इसका देख लो, सब राइट साइड से, फ्रंट लुक से और लेफ्ट साइड से। तो एक बार लुक देख लो। सबसे पहले आप एलिवेट, ये जो आप देख रहे हो, आपको बेस मॉडल से लेकर के टॉप मॉडल तक में आपको बिल्कुल भी डिफरेंस पता नहीं चलेगा। सबसे पहले जितनी भी आप गाड़ी देख लो, इसकी बेस मॉडल से लेकर के टॉप मॉडल जो आपको डिफरेंस देखने मिलेगा, वो सिर्फ इस यहाँ पे प्रोजेक्टर हेड देखने मिल जाता है, वो यहाँ पे नहीं मिलता है। वो सिर्फ आपको VX और ZX में ही देखने मिल जाता है, मतलब दो मॉडल में देखने मिल जाता है। ये जो आप देख रहे हो V मॉडल है, तो इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। बाकी अभी इसमें ऑफर भी चल रहा है बहुत अच्छे, तो यहाँ पे अभी आप 3 लाख भर के आप इसे घर पे भी लेके जा सकते हैं। तो बस ये राइट साइड से देख लेना, राइट साइड से कुछ इस प्रकार की दिखती है। बाकी इसका बेस मॉडल ये आप जो देख रहे हो, उसमें आपको सीट का चेंजेस भी देखने मिलेगा। बाकी इसका एक और वेरिएंट वहाँ पे लगा है जो टॉप मॉडल है, वो दिखा देना गाड़ी और पूरी तरह से। और बाकी आप देखोगे चारों तरफ से, तो ये वाइट कलर में थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, बाकी ब्लैक कलर में आती तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव, और भी खूबसूरती इसकी बढ़ जाती, 4 चांद लग जाते, क्योंकि जो गाड़ियाँ वाइट कलर में ज़्यादा खूबसूरत लगती है, उससे कई ज़्यादा गुना अपने ब्लैक कलर में ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और इंडियन मार्केट्स में जो गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं चलती है, उसमें ब्लैक कलर लाने के बाद बहुत ज़्यादा उसका सेल्स में, मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है। तो सबसे पहले इसकी पेज स्पेक्स की बात कर ली हमने, अब स्पेक्स सबसे पहले फ्रंट लुक से बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आप देखोगे तो जो इसका जो डिज़ाइन दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है मुझे पर्सनली लगता है ये। बाकी ये प्लास्टिक बॉडी है, यहाँ पे आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने मिल जाती है, एनवलप में काफ़ी बड़ा सा चौड़ा सा ब्रांडिंग देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्रोम पार्ट्स में ज़्यादा यूज़ इसमें फ्रंट में देखोगे तो किया गया है। यहाँ पे आपको LED में ही देखने मिल जाता है DRLs, और प्रोजेक्टेड हेडलैम्प देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है, वो भी आपको बेस मॉडल से लेकर के टॉप मॉडल तक में आपको हेलोजन ये LED में ही देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे हेलोजन यहाँ पे देखने को मिल जाता था, तो ये आफ्टर मार्केट आप करवाते हो तो यहाँ पे एक्सेसरीज एज ए एक्सेसरीज भी आप कंपनी से फिटिंग करवा सकते हो शोरूम पर पे बोल करके। तो बाकी यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता, सादा सा देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रखी है तो आप लोग उसके लिए इग्नोर करना। बाकी एलिवेट यहाँ पे आपको नंबर प्लेट यहाँ पे आ जाएगा। बाकी इसी के साथ में आ जाते हो तो यहाँ पे मतलब एरोडायनेमिक्स हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लगता है। और बाकी इतने कम प्राइस पॉइंट में अगर आप देखोगे तो ये SUV सेगमेंट की गाड़ी बन जाती है एक तरफ से बोला जाए तो। बाकी 5 सीटर इसमें देखने मिल जाती है। बाकी अगर बेस मॉडल से लेकर के टॉप मॉडल की बात करूँ तो जो हाईलाइटेड फीचर्स आपको देखने को मिल जाने वाले हैं, वो आपको व्हील्स को लेकर के भी देखने को मिल जाने वाले हैं। इसमें आपको देखने को मिल जाता है 250/60 रेडियल 16 इंच के अलॉय देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें अलॉय जाते हो टॉप मॉडल में तो उसमें 17 इंच के अलॉय देखने मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको 16 इंच के अलॉय देखने मिल जाते हैं। ये एक पहचान हो जाती है जब आप बेस मॉडल में जाते हो। उसी के साथ में आ जाते हो राइट साइड में, तो राइट साइड में भी आपको दिखा दूँ, ब्लैक और जो वाइट का कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव करता हुआ नज़र आएगा। ORVMs देखोगे तो इसमें फोल्डेबल नहीं देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे ORVMs की बात करूँ तो यहाँ से आप ये अगर आप की बात करो तो की हाईलाइटेड फीचर्स में कुछ इस प्रकार की देखने को मिल जाती है। आप इसे ऑफ कर सकते हो यहाँ से, तो देख लो यहाँ पे हैलोजन ये LED जो इसका है वो जल जाता है, और यहाँ से मतलब जो DRL से वो शो करता हुआ नज़र आएगा। तो बाकी मैं इसे एक बार दिखा देता हूँ फ्रंट से, इधर आ जाना। फ्रंट में देखोगे
यहाँ पे राइट साइड में, तो यहाँ से ही आपको कंट्रोल्स है, जो आपको कंट्रोल पैनल है वो आपको देखने को मिल जाएगा राइट साइड से, यहीं से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। बाकी लेफ्ट राइट का यहाँ से देखने को मिल जाता है फोल्डेबल, आपको और भी एम्स नहीं देखने को मिलते, यहीं से आपको एडजस्ट करने का ऑप्शन चारों डोर को देखने को मिल जाता है। बाकी वहाँ से आ जाना है उस साइड से, रियर में आते हो तो रियर में आपको देखने को मिल जाता है एलईडी में ही आपको कनेक्टेड टेल लैंप जो देखने को मिल जाता है वो आपको देखने को मिलेंगे, और हेलोजन होंडा की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा बड़े अक्षर में इसका किया गया है। एलिवेट यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा आपको 3D एनवलप में, इसी के साथ में आईबी टेक यहाँ पे ही लिखा हुआ नज़र आएगा, वो भी 3D एनवलप में किया गया है। अब यहाँ पे कैमरा सेंसर्स तो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे बूट स्पेस की बात करूँ तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा देखने को मिल जाता है। बाकी माफ़ करना थोड़ा सा आवाज़ मेरा कम आ रहा है, क्योंकि मैंने माइक चेंज किया है तो उसके हिसाब से आपको फर्क पता चल रहा होगा। अब ये बूट स्पेस की बात कर लेता हूँ, तो बूट स्पेस भी आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस देखने को मिल जाने वाला है यहाँ से। अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो आपको उतना ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगा कहीं पे भी, अगर लेके जाना है, अगर अभी फैमिली बड़ी है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे सोच सकते हो आराम से और लेके जा सकते हो। तो अब वहीं इसकी बात करूँ फीचर्स के बारे में, मतलब हाईलाइटेड फीचर्स जो आपको देखने को मिल जाने वाला है इसके सेफ्टी फीचर्स को लेकर के, इसमें आपको 4 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं, इसमें टोटल 4 वेरिएंट्स आते हैं, उसमें आपको देखने को मिल जाता है जो टॉप मॉडल आप देख रहे हो वो वाला, वो सबसे टॉप मॉडल आ जाता है इसमें, जिसमें कि ZX इसको बोलते हैं। अब इसमें डिफरेंसेस देखोगे तो बहुत ज़्यादा पता चलने वाला है, उसके पहले मैं बेस्ट मॉडल के पहले इसकी बात करूँगा। सबसे पहले इसका जो टॉप मॉडल है उसमें आप देख लेते हो तो 17 इंच के अलॉयज देखने को मिल जाते हैं, ब्रिजस्टोन के टायर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो एलईडी में ही आपको देखने को मिल जाता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और यहीं से मतलब जो फॉग लैम्प का भी काम करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव थोड़ा सा लगते हैं इस कलर्स के साथ में। और बाकी अगर अंदर में आ जाते हो तो अंदर में भी आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस इसके पता चलेंगे। अब देखोगे सबसे पहले इंटीरियर्स में दिखा दूंगा, तो ये देख लो यहाँ पे सनरूफ भी देखने को मिल जाती है टॉप मॉडल में। यहाँ पे आप देखोगे तो जो इसका लेदर वाला डिज़ाइन है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है, यहाँ पे पूरा लेदरिंग यहाँ पे किया गया है ब्राउन कलर का, और ये सिर्फ टॉप मॉडल में देखने को मिल जाता है। टॉप मॉडल से बेस्ट मॉडल की बात करूँ तो 3 लाख का इसमें डिफरेंसेस आ जाता है, इसके मीटर और कंसोल में भी आपको बहुत बड़ा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। आज मैं टॉप मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ, बेस्ट मॉडल की बात कर रहा हूँ, अगर आप नेक्स्ट वीडियो बोलोगे तो टॉप मॉडल के ऊपर मैं बना दूंगा। बाकी इसके सीसी के हिसाब से देखा जाए तो ये डायरेक्ट टक्कर देती है किया सेल्टोस और ह्यूंडई की क्रेटा, ये सब गाड़ियों को डायरेक्ट टक्कर देती है। तो सबसे पहले इसकी प्राइसिंग के हिसाब से हम लोग ने बात कर ली, अब इसके सीसी की मैं बात करूँ तो 1498 सीसी के साथ में इंजन देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको MT मॉडल देखने को मिल जाता है, VMT मॉडल, और इसकी स्पेक्स की और अंदर की ओर मैं आ जाता हूँ, मैं अंदर आ जा। अब अंदर में देखोगे तो ये जो स्टीयरिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है, एडजस्टेबल स्टीयरिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो बेस मॉडल में यहाँ पे कोई भी सनरूफ देखने को नहीं मिलता है, वो सिर्फ आपको टॉप मॉडल में देखने को मिल जाएगा, VX और ZX में देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप जो ये है उसको विंडस्क्रीन, ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। ADAS फीचर्स इसमें देखने को नहीं मिलते हैं, ADAS फीचर्स आपको बेस्ट टॉप मॉडल में ही देखने को मिल जाते हैं, तो ये थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है टॉप मॉडल लेने का। 3 लाख अगर आप दे रहे हो ज़्यादा तो उसमें कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि 3 लाख जैसी गाड़ी उसमें आपको फील भी आएगा। तो बाकी इसमें आप देखोगे तो इसमें डैशबोर्ड में भी आपको पूरा ही प्लास्टिक देखने को मिल जाने वाला है, वो आपको हार्ड टॉप उसमें देखने को मिल जाता था लेदर वाला, एज ए एक्सेसरीज आप 35,000 देते हो एक्स्ट्रा तो उसमें आपको लगा करके भी देते हैं ये वाला। बाकी इसमें जो आप देखोगे स्पीकर्स, इसमें आपको टोटल 4 स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, इसमें ट्यूटर्स नहीं आते हैं। ट्यूटर्स इसमें आप देखोगे तो जो टॉप मॉडल आता है उसमें आपको ट्यूटर्स देखने को मिल जाते हैं, इसमें आपको ट्यूटर्स नहीं देखने को मिलते हैं। बाकी चारों इसमें स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, फ्रंट और रियर दोनों में पिलियन के लिए भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। बाकी इसमें सीट की कंफर्टनेस देखोगे तो इसमें आपको जो सीट देखने को मिल जाता है वो नॉर्मली देखने को मिल जाता है आपको सिला हुआ, और बाकी उसमें आप देखोगे तो लेदर का सीट देखने को मिल जाता है, मतलब वो थोड़ा सा फील भी देता है प्रीमियम जैसा। बाकी यहाँ पे आप मैनुअल ट्रांसमिशन है तो इसमें आपको पूरा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में आ जाती है, और एक रिवर्स का गियर देखने को मिल जाता है। बाकी यही कुछ है, बाकी और एक जो खास फीचर्स मुझे अच्छा लगा वो टॉप मॉडल में वायरलेस चार्जिंग उसमें देखने को मिल जाती है, इसमें वायरलेस चार्जिंग कुछ भी नहीं मिलता, इसमें आपको अलग से वायरलेस चार्जिंग लगवाना पड़ेगा।
तो बाकी कैसी लगी बताना कमेंट में, और बाकी यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो बाकी ये हैंडल को, ये स्टीयरिंग को, और यहाँ से मतलब जितने भी क्रूज़ कंट्रोल ये सब है, क्रूज़ कंट्रोल इसमें देखने को नहीं मिलता है, उसमें आपको एडस फीचर्स क्रूज़ कंट्रोल सारे ऑप्शन उसमें ही देखने को मिल जाते हैं। तो बाकी कैसी लगी ये वाली वीडियो आप लोग बताना कमेंट में, और आई होप कि ये वाले वीडियोज़ में मैंने छोटा सा ही इन्फॉर्मेशन दिया है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, अभी थोड़ा जल्दी में था इसके लिए मैंने कार का वीडियो बनाना सोचा। तो अभी मिलता हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो में और उसमें आपको पूरा ही डिटेल बताऊंगा। तो बाकी मिलता हूँ उस वीडियो में, टिल देन बाय बाय।